हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिवाकर कुमार, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट एट सॉल ऑर्थोकेयर। आज हम बात करेंगे टेल बोन पेन के बारे में। टेल बोन पेन को ही हम कॉक्सीडेनिया और कॉकिक्स पेन भी कहते हैं। किन किन वजह से हो सकता है? पहला तो इस प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से हो सकता है, टेल बोन पे डायरेक्ट इंजरी होती है उसके वजह से हो सकता है, ओवरवेट की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारी वजह है। चलिए हम जानते हैं हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हमें राहत मिले। फर्स्ट एक्सरसाइज से हम शुरुआत करते हैं। पहला एक्सरसाइज में क्या है, क्वाड्रीपोड पोजिशन में आना है। इस पोजिशन से चाइल्ड पोज पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करना है। तो धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे, ऐसे जहाँ तक हो सकता है वहाँ आएंगे, फिर 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर वापस क्वाड्रीपोड पोजीशन में आएंगे। लाइक 5 to 10 times हमें 5 से 10 बार करना है। दूसरा एक्सरसाइज है हमारा ग्लूट्स स्क्वीजिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या है, बटक्स के मसल्स को अपने अंदर की तरफ खींचना है, स्क्वीज करना है। लाइक एनस के मसल्स को अंदर की तरफ रोक के रखना है 5 to 10 seconds एंड रिलैक्स करना है। होल्ड एंड रिलैक्स। तीसरा एक्सरसाइज है हमारा नी टू चेस्ट। इसमें क्या है, हमारा बटक्स के मसल्स को हम स्ट्रेचिंग करते हैं। इसमें हाथ यहाँ होगा, नी को चेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसको 5 to 10 seconds होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार करना है और 10 to 15 repetitions करेंगे। अब हम करेंगे बैक प्रेस एक्सरसाइज। उसमें एक टॉवल लेना है और लो बैक के नीचे लगाना है, फिर अपने कमर से टॉवल को नीचे की तरफ धक्का देना है। लाइक नीचे प्रेस करना है आपको, प्रेस कीजिए, होल्ड 5 to 10 seconds होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर अगेन प्रेस करना है 5 to 10 seconds होल्ड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइजेस दिन में 2 से 3 बार करना है 10 से 15 बार रिपीटेशन के साथ। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारा ब्रिजिंग। इसमें दोनों घुटना को फोल्ड करना है, फिर अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। इसको 5 से 10 seconds के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। ये इसका रिपीटेशन 10 से 15 रिपीटेशन होगा दिन में 2 से 3 बार। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।